हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट, जो कि है दो पॉपुलर फोन का। एक लेटेस्ट फोन अवेलेबल है हमारे पास रेडमी का, जो कि है नोट 9 प्रो, या फिर आप जो है इसको नोट 9 प्रो मैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैटरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है रेडमी नोट 9 प्रो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर। उसी को कंपेयर करने वाले हैं उसी के सब ब्रांड से, मतलब पोको जो है अलग से ब्रांड बन चुका है, पोको X2 के साथ में हम जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट जो है कंपेरिजन करने वाले हैं, और को बताने वाले हैं कि यार कौन सा फोन जो है बेस्ट रह सकता है बैटरी के लिए, क्योंकि यार जो Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max है और Poco X2 है ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी है, 500 mAh का डिफरेंस है, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में जो बैटरी यूज की गई है वो है 5020 mAh की बैटरी, और यहां पर Poco X2 के अंदर यूज की गई है 4500 mAh की बैटरी। चिपसेट का फर्क है, Snapdragon 730G जो है यूज किया गया है Poco के X2 के अंदर, और Snapdragon 720G यूज किया गया है Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के अंदर। तो देखते हैं कि यार यहां पर जो है कौन सा फोन मिल रहता है बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर कर देना। तो यार इस वीडियो में जो मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाला हूँ ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करने वाला हूँ। मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं काफी सारे होंगे यार अपने इंडिया में, यार बात करो कि सिर्फ यूट्यूब और गेम प्ले करते हैं, गेम के नाम से पबजी और यूट्यूब के नाम से सारी वीडियोज जो देखते हैं यार वो जो है मेरे जैसे लोग होते हैं। तो यार उनका जो इंटरेस्ट होता है ना सिर्फ दो ही चीजों में होता है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ यूट्यूब और गेम प्ले करने के साथ में कौन सा फोन जो है बेटर सकता है, पोको X2 या फिर जो है रेडमी नोट 9 प्रो या फिर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। तो यहाँ पे हम जो प्ले करने वाले हैं, पहले हम प्ले करेंगे Redmi Note 9 Pro Max के अंदर, जो कि होगा 1 घंटे का गेम प्ले, और उस 1 घंटे के अंदर जो है YouTube चलेगा, जो कि होगा Poco X2 के अंदर कोई भी वीडियो, मतलब जो वीडियो चलेगा वो होगा 240 पिक्सल पे, मतलब जो है 240 पिक्सल एक नॉर्मल सफिशिएंट होता है। एंड बात करता हूं यहां पे हम जो है गेमिंग की, तो हम जो है गेम में हर 1 घंटे में ग्राफिक्स चेंज करते रहेंगे। तो यार आपको बता दूं, हम जब ये पोको X2 के अंदर यहां पे वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो यहां पे Redmi Note 9 Pro Max के अंदर गेम प्ले है, और जब यहां पर पोको X2 के अंदर 1 घंटे बाद में गेम प्ले होगा, Redmi Note 9 Pro Max के अंदर जो है वीडियो प्ले होगा। तो देखते हैं कि यार कौन सा फोन जो है बेटर रह पाता है। लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि कितना जो है वीडियो हमने प्ले किया, कितना गेम प्ले किया, तो फिर कौन सा फोन जो है बेटर है, कितने हर 1 घंटे में जो है यहाँ पे बैटरी आपको डिफरेंस जो है देखने को मिलता रहेगा। तो यार देखते रहिए पूरा वीडियो, मजा आने वाला है आपको।
तो यार हमने यहाँ पर देखा कि पोको X2 की जो बैटरी है वो है 4500 mAh की बैटरी। अगर आप जो है YouTube और गेम प्ले करते हैं, मतलब कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है 6.5 घंटे का आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन Redmi Note 9 Pro Max या Redmi Note 9 Pro की बात करते हैं, सिर्फ 500 mAh बैटरी ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे का आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मतलब Redmi Note 9 Pro या Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आप जो है वीडियो भी ज़्यादा प्ले कर सकते हैं और गेम भी ज़्यादा प्ले कर सकते हैं कंपेरिजन पोको X2 के। तो बस यार ये डिफरेंट वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, इस तरीके के कंपेरिजन करने चाहिए या फिर जो है नहीं, आप बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से। तो बस यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट जरूर से करना बताने के लिए कि कंपेरिजन अच्छा था या नहीं था। साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।